सो गाइस, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं अपने चैनल पर वापस आया बस आपको एक चीज दिखाने के लिए। वो है मेरा क्लास 10th का रिजल्ट। हाँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट हूँ, पर कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना घुल गया था कि मैं भूल गया कि मेरा एक चैनल भी है। मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे सब याद था पर अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी। पर अभी मैंने ये माइंडसेट कर लिया कि मुझे वीडियो बनाना है, तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। तो गाइस, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से दे दूँ। मैं हूँ अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं AS व्लॉगिंग। मैं बेसिकली व्लॉगिंग भी करता हूँ, साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे ऐसी वीडियोस भी प्रोवाइड करता हूँ जो कि मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आज हम बात करेंगे मेरे क्लास 10th का रिजल्ट का। यस गाइस, मैंने इसी साल अपना क्लास 10th दिया है विद ICSE, जो है बोर्ड, ICSE बोर्ड से मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। और मैं बेसिकली पढ़ता था सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में, जो कि चितरंजन में है। तो गाइस, पहले मैं बता दूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका, ठीक है। मैं अब नहीं चाहूँगा आपका टाइम वेस्ट करना, वेबसाइट पे जाके यू दिखाना जैसे लोग दिखाते हैं। मैं सीधे आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। तो आजा पोटैटो पीसी। सो गाइस, फाइनली आप देख सकते हैं, नहीं दिख रहा यार, अब दिख रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हैं फाइनली मेरे पास मेरा रिजल्ट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं डिटेल्स हाइड कर दूंगा, मेरी पर्सनल डिटेल्स कुछ कुछ दी हुई। तो आप देख सकते हैं कि मुझे मीडियम ही मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में 82, हिंदी में 89 है, हिस्ट्री 90, मैथ 78, साइंस 78, कंप्यूटर 75। तो गाइस, देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ खास नंबर नहीं आए मेरे, कुछ कर नहीं सकते हैं। पर जितने भी आए हैं मैं उससे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा और कुछ उम्मीद नहीं कर सकता था। तो गाइस, इसे अगर टोटल करके टॉप 5 किया जाए तो अराउंड 83% होते हैं। सो गाइस, आपने मेरा 10th का रिजल्ट देख लिया। ये वीडियो मैंने ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि ना ही मेरे पास टाइम है ना ही आपके पास टाइम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को करिएगा लाइक, करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए क्या करना होगा ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चाहते हैं कि मैं आगे YouTube पे बना रहूं।